मेरा नाम आमिर है। मेरा पिछले उन्वान के तौहीद पे सवाल, ये पहला ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो होती है तो उस पे थोड़ा वजाहत कर दीजिए कि पेपर वगैरह में जो आता है। तो याद रखिए, इल्म फलकियात का इस्लाम में कोई दखल नहीं है। कोई चांद और सितारों के आने जाने से, सूरज की गर्दिश से, चांद की गर्दिश से, सैयारों की गर्दिश से, सितारों की गर्दिश से, इंसानों की तकदीर पर कोई फैसला, कोई तब्दीली, कोई कमी और कोई ज्यादती नहीं आती। याद रखिए, ये हमारा इस्लामी अकीदा है और ये अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़कर आपने कहा, रात बारिश हुई थी, कहा आज रात कुछ लोगों ने, अल्लाह के बंदों ने कुफर पर गुजारी और कुछ ईमान पर गुजारी। पूछा कि अल्लाह के रसूल किसने कुफर पर गुजारी और किसने ईमान पर गुजारी, तो कहा जिसने ये कहा कि कल रात बारिश इसलिए हुई कि फला सितारा फला बुरुज में दाखिल हुआ, फला सितारा फला कंस्टिलेशन में दाखिल हुआ, तो उसने रात कुफर में गुजारी, और जिसने ये कहा कल रात बारिश आज रात बारिश अल्लाह ने दी थी, वो तौहीद पर रहा। तो सितारे और सैयारों का इस्लाम मानता नहीं। इस्लाम ये कहता है कि ये अल्लाह की मखलूकात है जो अल्लाह के हुक्म के ताबे है, इनके आने जाने से कोई तकदीर, अच्छे बुरे के फैसले नहीं होते। लेकिन अब एक बात, पेपर में तो रोज लिखा हुआ है जोडिकल साइंस, आपके सितारे क्या कहते हैं। हमारे उर्दू न्यूज पेपर भी है, एक सितारा, दो सितारे, तीन सितारे, चार, पूरे 12 महीने के 12 सितारे, और ऐसा होता भी है। हाँ मैंने पढ़ा, कलर होगा, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो ये सिर्फ नफ्सियात है, नफ्सियात समझते आप, साइकोलॉजी आपकी। देखिए मैं आपकी नफ्सियात कैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल आपके साथ एक अच्छा काम और एक बुरा काम होने वाला, देख लो। जाओ आप, कुछ लोग जिनका अकीदा कमजोर, और फैज भाई ने बोले कुछ सोच के बोले होंगे, कुछ तो इल्म होंगे जिनको। अब आप कैलकुलेशन शुरू करते, एक अच्छा काम एक बुरा काम, एक अच्छा काम एक, और कोई भी एक काम जो रोज होता है आपके साथ वो अच्छा हो गया। अरे एक अच्छा हो गया, फैज भाई ने सही बोले यार एक अच्छा हो गया। अब इसके बाद के पूरे 24 घंटे के दूसरे अच्छे काम नहीं गिनता हो, फैज भाई ने एक ही बोले थे अच्छा तो एक हो गया। अब इंतजार करो एक बुरा होने वाला है आज, और दिन भर में रोज बुरे काम कहीं होते हैं ना, नल नहीं आया यार, क्या बुरी बात है, नल नहीं आया, लाइट चले गई अचानक, फला हो गया, रोज होता है। अब उस दिन जो कि मैंने कहा था एक बुरा होगा, आप बोलते हो अब एक बुरा होने वाला है, एक अच्छा, फैज़ बिन बोले हो गया, और उसके बाद एक बुरा होगा, देखो एक बुरा भी होगा, सही बोले, अच्छा उसके बाद 50 बुरे काम हुए, वो नहीं गिनता आदमी, क्यों, तो एक का ही बोला था ना मैंने। अब पेपर में लिखा आज आपके लिए काला रंग दुरुस्त नहीं है, तो काला नहीं पहनना आपने, अब पहने से तो मालूम कैसा होगा दुरुस्त है नहीं है। आज जो है आप जो है फला तिजारत मत कीजिए, अरे करे तो मालूम होगा, नफ्सियात, सिर्फ नफ्सियात। शोबदेबाज लोग भी ऐसी करते हैं, शोबदेबाज लोग मान लो काहिन, जो होने वाली चीजें बताते हैं, फाइल खोलते हैं, वो भी ऐसी नफ्सियात से खेलते हैं। कैसा, आप उनके पास गए, जाकर बैठे और मुलाकात हुई तो बोलते बहुत मुसीबत में, आप बोलते बाबा क्या सही बात है, वाकई मुसीबत में हूँ। मुझे बताइए अगर कोई दवाखाने में डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले आप बीमार है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, डॉक्टर ने क्या पहचाना। अरे कोई भी डॉक्टर के पास मरीज ही जाता ना, कोई ऐसा आदमी आज तक है जो बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत सेहत अच्छी लग रही थी आपसे मिलने आ गया, क्या चल रहा, ऐसा है क्या, कोई बीमारी आता और डॉक्टर अगर बोलते तुम बीमार दिख रहे हो, तो आप बोलेंगे बड़े महान डॉक्टर साहब मैं तो पैरों में गिर जाता हूँ, आपने पहले पहचान लिया मैं बीमार हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, डॉक्टर के पास अच्छा आदमी जाता ही नहीं। और मुसलमान बड़े अकीदत से, आपके सितारे, मेरा सितारा आज भारी है, सितारा नहीं तू ही भारी है, सितारा वितारा भारी नहीं होता किसी का, हम नहीं सोचते मेरा सितारा भारी। इस्लाम ये सिस्टम्स को नहीं मानता किसी को, इस्लाम एक वाहिद रब में अकीदा रखता है जो जो चाहता है अपने बंदों के साथ कर सकता है, और उसकी मर्जी और मशीयत से तमाम चीजें होती है दुनिया में। तो लिहाजा हाँ दुआएं कीजिए, आपको मुसीबत परेशानी है, लेकिन ये सब चीजें सख्त हराम इस्लाम में, याद रखिए, और ये कुफ्र है।